अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली एक बहुत लंबे ब्रेक के बाद, मतलब लंबे से मेरे कहने का मतलब है 3-4 महीने के ब्रेक के बाद अपने YouTube चैनल पे फाइनली वापस आ गए हैं। और अब एक ही दुआ है कि हम कंसिस्टेंस रहें, लंबी लंबी ब्रेक ना लें, क्योंकि लाइफ में थोड़े बहुत से ऐसे मामलात हो गए थे, थोड़े से ऊपर नीचे हो गए थे कि मुझे YouTube या किसी भी चीज़ से थोड़े से साइड पे होकर थोड़ा सा फोकस करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामलात वगैरह क्लियर हो चुके हैं। तो मैं मतलब काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ले लिया, व्लॉगिंग के लिए आईफोन ले लिया। तो अब इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा कैमरे का रिज़ल्ट भी बेहतर हो जाएगा और आपको क्वालिटी वगैरह भी अच्छी आएगी। अभी काम के लिए मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हूँ, अभी मैंने जाना है किसी को स्कूल से पिक करना है, फिर उसके बाद वापस आके अपने काम पे चले जाना है। और आपको साथ साथ दिखाता भी जाऊँगा और कोशिश करेंगे कि ब्लॉग डेली हो जाए ना, सिंपल रखेंगे, ईजी रखेंगे, कोई एडिटिंग नहीं कुछ नहीं, बस जितनी हो सकता है उतने हम कोशिश करेंगे कि सिंपल ब्लॉग्स होते जाएँ। तो फिर मुझे भी आसानी होगी डेली अपलोडिंग में और मुझे भी इतना खास कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करनी होगी। बस इंशाल्लाह देखते जाए कैसे बनता है। अभी ये बाहर का माहौल कुछ इस तरह से है, ये हमारे मेरे घर के पास एक मॉल है और यार इतनी गर्मी हो रही है ना, इतनी शिद्दत वाली गर्मी हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। खैर चलो अभी अपने काम की तरफ निकलते हैं, जो काम मैंने करना था, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको साथ साथ अपने दिन का व्यू दिखाता जाऊंगा कि दिन मेरा कैसा गुजरता है। कि ये नज़र आ रहा है, ये आपके एक्सेस कार्ड के बगैर कभी भी नहीं, मतलब आपने एक्सेस कार्ड लगाना है उसके बाद, छोटी सी चीज़ें बड़ी काम की चीज़ें सिक्योरिटी के लिहाज से, इसके बगैर आप लिफ्ट में ना ऊपर आ सकते हैं ना नीचे जा सकते हैं। जैकेट इसलिए नहीं पहला कि सर्दी है, असल में इतनी सख्त गर्मी है कि बंदा टैन हो जाएगा। असल में मेरा KTM ख़राब हुआ पड़ा और आजकल मैं यही मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और अभी रेडी हो गया हूँ, अभी जा रहे हैं किसी को पिक करने के लिए, फिर आपको दिखाता हूँ साथ में। घर से तो निकल गए हैं, शायद मेरी आवाज़ आ रही हो ना आ रही हो, अभी वहाँ से किसी को पिक करना है, फिर उसके बाद जाते हैं थोड़ा सा नाश्ता करते हैं क्योंकि मेरा काम है 3 बजे और अभी बस स्कूल की तरफ ही जा रहे हैं। तो फिर मैं तो उधर से फारिग होते हुए स्कूल से हैं, मैंने सोचा अपने लिए थोड़े से काम के लिए, अपने लिए नहीं काम के लिए थोड़े से कपड़े ख़रीद लूँ। तो ये जो स्टोर है ये पदीनी स्टोर है और ये काफ़ी कन्वीनियंट है, लाइक अच्छे रेट्स में आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, सेम लाइक हमारे पाकिस्तान में आप फिट या ब्रेकआउट हो गया। तकरीबन लीटर है 2 रिंगिट और 50 सेंट, 5 रिंगिट का फुल हो गया और मैंने डाला था 8 पर वो 5 मिनट चल रही है, अभी चल रहा है काम। अभी आया हुआ मैं काम पे हूँ, अभी इंशाल्लाह काम ही करेंगे। ये जो जगह नज़र आ रही है इधर हम काम करते हैं, यहाँ पे मेरा रेस्टोरेंट है और मेरा नहीं मतलब यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे हम काम करते हैं। ये यहाँ के 5-स्टार होटल्स वगैरह हैं, वो सामने डोर सेट है, यहाँ पे और सारे 5-स्टार होटल्स हैं, मतलब ज़्यादातर यहाँ पे फॉरनर्स ही होते हैं जो UK या जो लोग घूमने के लिए आते हैं मलेशिया, वो ज़्यादातर इन्हीं होटलों में स्टे करते हैं और फिर हमारे पास ही आते हैं खाना खाने के लिए या वो करने के लिए। काम की जगह तो मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगा कि किस होटल में काम करते हैं और आजकल क्या जगह मैंने चेंज कर ली। यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से, ये जो घर आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पे एक नया मर्दी का टावर बना हुआ है ये, और ये यहाँ के किंग का घर है। व्लॉग था अपना वो बनाने के लिए, अपना ध्यान के लिए, बाकी मैं अब इंशाल्लाह व्लॉग्स डेली आते जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको मिलता हूँ मैं अगले व्लॉग में।